हेलो फ्रेंड, निटिंग डिज़ाइन में देखिए प्यारा सा खूबसूरत मल्टी कलर की डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत ये बॉर्डर बना है। और इसी डिज़ाइन को जब आप बार बार रिपीट करिएगा तो मैं दिखाती हूँ ये स्वेटर में डिज़ाइन हमारी कितनी खूबसूरत बन के आई है। और ये देखिए, इसी डिज़ाइन को जब बार बार रिपीट किया गया है तो कितना खूबसूरत ये स्वेटर बन के आया है। तो आइए आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइन को बनाना सीखते हैं। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 12 के मल्टीपल फंदे चाहिए, तो यह डिज़ाइन हमारी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 12 के मल्टीपल 36 फंदे लिए हैं। आप अपने हिसाब से इस रेड कलर से बॉर्डर बनाइए और बॉर्डर बनाने के बाद हमारा ग्रीन कलर आएगा। और अब यहाँ हम ग्रीन कलर से इस पूरी रो को बनाएंगे। ये सीधी तरफ से हम सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से हम उल्टा उल्टा बिनेंगे। और बॉर्डर बनाने के बाद ही हमारा ये ग्रीन कलर लगा हुआ है। और ये देखिए, ये पूरी रो मैंने ग्रीन कलर से बना ली है, रो वन। अब हम बैक साइड पे आ जाएंगे और इधर से भी इन सारे फंदों को हम ग्रीन कलर से ही बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारी रो नंबर 2 बन रही है, जिसमें इन सारे फंदों को हमें ग्रीन से बनाना है। ये देखिए, रो 2 के बाद मैंने रो 3, 4, 5, 6 रो तक मैंने ये ग्रीन कलर कर लिया है। और 6 रो के बाद रो नंबर 7 में हमारा ये ब्लैक कलर आएगा। और ये देखिए, ब्लैक कलर से ये 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लैक, और अब यहाँ पे हमारा येलो, ये 1, 2 फंदे येलो के, और फिर ब्लैक कलर से 1, 2, 3, 4, 5 फंदे ब्लैक। अब हम इस 5 ब्लैक से इस 5 ब्लैक तक की डिज़ाइन फिर बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, जब मैंने इन्हीं फंदों को रिपीट किया है बार बार, तो ये 2 येलो के बाद हमारे बीच में 10 फंदे ब्लैक के हैं, फिर 2 येलो, 10 ब्लैक, और लास्ट में फिर 5 फंदे हमारे ब्लैक के हैं। अब हम बैक साइड आ जाएंगे, ये हमारी रो नंबर 8 हो जाएगी, जिसमें हम ब्लैक को ब्लैक और येलो को येलो से बनाएंगे। तो ये शुरू के जो 5 फंदे ब्लैक को ब्लैक करेंगे और इस 2 येलो को येलो करेंगे। फिर हमारा बीच में ब्लैक कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर ये 2 येलो को हम येलो से करेंगे। तो इस तरह से सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये देखिए, बैक साइड से मैंने सेम कलर करते हुए बना लिया, तो हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन गई है। अब हम रो नंबर 9 पे आ गए हैं, जिसमें ये 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से हो गए, और अब यहाँ पे हमारा येलो 1, 2, 3, 4 फंदे येलो, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से। अब हम इस 4 ब्लैक से लेकर इस 4 ब्लैक तक की डिज़ाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, जब इन्हीं फंदों को मैंने बार बार रिपीट किया है, तो 4 येलो के बाद 8 फंदे हमारे ब्लैक के हो गए हैं, फिर 4 येलो है, 8 ब्लैक, 4 येलो, और लास्ट में फिर 4 फंदे हमारे ब्लैक के हैं। ये हमारी रो नंबर 10 आ गई बैक साइड से। इसमें हमें सेम करना है, जो फंदे हमें ब्लैक के दिखेंगे उन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे, और जो फंदे हमारे देखे ये येलो के हैं उन्हें हम येलो से बनाएंगे। तो सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, यहाँ पे येलो कलर आ गया, फिर 4 येलो को हम येलो से करेंगे। ये देखिए, रो 10 मैंने बना लिया है सेम कलर। अब इसके बाद हम रो नंबर 11, 12, 13 और 14
चार सलाइयाँ हम सेम कलर करेंगे। इस 8 ब्लैक को ब्लैक करेंगे और 4 येलो को येलो करते हुए चार सलाइयाँ हम बनाएंगे, तो हम आपको बनाकर फिर दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने रो नंबर 11, 12, 13, 14 चार सिलाइयाँ और बना ली हैं। अब हम रो नंबर 15 पे हैं और इसे भी देखिए, इसमें सबसे पहले 1 हमारा ब्लैक रहेगा और इसके बाद यहाँ पे हमारा रेड कलर आ जाएगा। रेड कलर से ये 10 फंदे हमारे रेड के हो जाएंगे और इसके बाद 1 हम ब्लैक से करेंगे। अब हम इस 1 ब्लैक से लेकर इस 1 ब्लैक तक की डिज़ाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, जब मैंने इन्हीं फंदों को रिपीट किया है तो ये 10 फंदे रेड के बाद 2 हमारा ब्लैक हो गया, फिर 10 फंदे रेड, 2 ब्लैक, 10 रेड और लास्ट में 1 हमारा ब्लैक। अब हम फिर बैक साइड पे आ जाएंगे, रो नंबर 16। रो नंबर 16 में हमें सेम कलर करना है, ये ब्लैक को ब्लैक करना है और 10 फंदे जो रेड हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाएंगे। तो सेम कलर, रेड को रेड और ब्लैक को ब्लैक करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है। ये देखिए, ये हमारे रेड हो गए, इस 2 ब्लैक को फिर हम ब्लैक करेंगे और फिर यहाँ पे हमारा रेड कलर, तो रेड को हमें रेड से ही बनाना है। तो हम आपको पूरी रो बना करके और फिर दिखाते हैं। ये देखिए, रो 17 में ब्लैक कलर से ये 1, 2 फंदे ब्लैक और अब यहाँ पे हमारा रेड कलर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे ये रेड से हो गए और अब ब्लैक कलर से 1, 2 फंदे ब्लैक। अब हम इस 2 ब्लैक से लेकर इस 2 ब्लैक तक की डिज़ाइन को पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं, तो ये 1, 2 फंदे ब्लैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे रेड्स हो गए, फिर ब्लैक कलर से 1, 2। तो जब मैंने इन्हीं फंदों को रिपीट किया है तो बीच में देखिए ये 4 फंदे हमारे ब्लैक के हो गए हैं। ये हमारी 18 रो है और 18 रो में भी हम ब्लैक फंदों को ब्लैक से करेंगे और बीच में जो 8 फंदे हमारे रेड के हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हमें बनाना है बैक साइड से। ये देखिए, 4 फंदे ब्लैक हैं तो इन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर रेड फंदों को हमें रेड से ही बनाना है। तो इस तरह से सेम कलर करते हुए बैक साइड से हमें इस पूरी रो को बनाना है। ये देखिए, रो 18 तक हमारी डिज़ाइन बन गई है और रो 19 में ये पहले ब्लैक को ब्लैक करेंगे, तो 1, 2, 3 हमारे ब्लैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे रेड के, फिर हमारा ब्लैक 1, 2, 3 फंदे ब्लैक। तो अब इस 3 ब्लैक से इस 3 ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम फिर रिपीट करेंगे पूरी रो में। एक बार और रिपीट करते हैं, ये 1, 2, 3 फंदे हमारे ब्लैक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे रेड से, 1, 2, 3 फंदे ब्लैक। ये देखिए, जब इन्हीं फंदों को मैंने रिपीट किया है तो बीच में भी हमारे 6 फंदे ब्लैक हो गए। इस तरह से अब ये पूरी रो हमारी 6 रेड, 6 ब्लैक, 6 रेड और 6 ब्लैक की बनेगी। ये हमारी रो नंबर 20 आ गई है, इसमें भी हमें सेम कलर करना है। तो जो हमारे ब्लैक फंदे दिख रहे हैं
उन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे और जो रेड फंदे हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से ये 6 रेड है, इसे हम रेड करेंगे और यहाँ पे 6 फंदे ब्लैक के हैं, इन्हें हम ब्लैक कलर से बनाएंगे। तो इस तरह से सेम कलर करते हुए इस पूरी रो को हम बनाएंगे। ये हमारी रो नंबर 21, जिसमें ब्लैक को ब्लैक से करेंगे। ये 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक से, 1, 2, 3, 4 रेड, 1, 2, 3, 4 हमारे ब्लैक। अब हम इस 4 ब्लैक से 4 ब्लैक तक की डिज़ाइन पूरी रो में बार बार रिपीट करेंगे। ये देखिए, जब मैंने इन्हीं फंदों को बार बार रिपीट किया है तो ये 4 रेड के बाद 8 फंदे हमारे ब्लैक के हैं, फिर 4 फंदे रेड, 8 ब्लैक, 4 रेड और लास्ट में 4 फंदे ब्लैक के। और ये हमारी रो नंबर 22 है, जिसमें हम सारे फंदों को ब्लैक कलर से ही बनाएंगे। अब यहाँ से ये रेड कलर को नहीं बनाना है, सिर्फ ब्लैक कलर से हमें पूरी रो को बनाना है और इस रेड वाले फंदे को अपने साथ थोड़ी थोड़ी दूर पे फंसाते चलना है। ये सारे फंदे हमारे ब्लैक और रेड वाले को अपने साथ इस तरह से लेते चलना है। और ये देखिए, सारे फंदों को मैंने ब्लैक कलर से कर लिया है। तो रो 22 तक मेरी डिज़ाइन बन गई है और इसके बाद फिर हम 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से बनाएंगे, एक रो सीधी और एक रो उल्टी, 2 सिलाइयाँ ब्लैक कलर से बना करके, और फिर हम आपको बताते हैं। ये देखिए, 2 सिलाइयाँ मैंने और ब्लैक कलर से बना ली। तो इस तरह से रो नंबर 23 और 24 हमारी ब्लैक कलर से बन गई। अब इसके बाद फिर हम ये ग्रीन कलर से जो स्टार्ट किए थे रो 1, यहाँ से फिर हमारी ये डिज़ाइन रिपीट होगी। तो रो 1 जैसे हमारा पूरा ग्रीन था, तो 6 रो तक हमारा ये ग्रीन कलर बनेगा। और ये देखिए, जहाँ से ये ग्रीन स्टार्ट है यहाँ से लेकर इस ब्लैक तक की डिज़ाइन को हम बार बार रिपीट करेंगे। अब हम आपको यहाँ पे बीच में कुछ डिज़ाइन बनानी है, वो बना करके दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर का धागा लिया है और यहाँ से सुई को निकाल करके, और ये वाइट कलर से हमारी ये इस तरह से छोटी छोटी डॉट बनेगी। ये बनाया, ये 2 फंदे के बाद 1 डॉट, फिर ये 2-4 येलो के बीच में बनाया और फिर इस 2 फंदे के बाद यहाँ बनाया, और फिर ऐसे ही हम ऊपर भी बनाएंगे। ये एक इधर और इन दोनों के बीच में एक, ये, और ऐसे इन सब में भी बना करके दिखाते हैं। और ये देखिए, बाकी के दोनों में भी मैंने ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे और ग्रीन कलर के धागे से ये दोनों येलो के ये बीच में यहाँ से हम निकालेंगे धागे को, और ये पत्ती बनाएंगे हम चेन स्टिच से। तो देखिए, इस तरह से ये सुई में धागे को निकालेंगे और ऐसे ये घुमा करके ये एक पत्ती बन गई, फिर इसके बाहर से सुई निकाल करके और इसके दोनों साइड फिर ऐसे ही बनेगा हमारा। और ऐसे ही हम इधर भी बनाएंगे एक, और ये धागे को ऐसे आगे करके सुई के, और ये बाहर की तरफ से यहाँ नीचे निकाल लेंगे। ये देखें, फिर ऐसे ही यहाँ बीच में हम बनाएंगे,
और इस तरह से तीन तीन पत्तियां हमारी ये बन जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से ये कितनी खूबसूरत मेरी डिज़ाइन बन के आ गई है। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। थैंक यू।